राम राम जी, मैं परवीन शर्मा जींद प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं सामान्य हॉस्पिटल, जहाँ पर पानीपत रोड नदी पर दो मोटरसाइकिलों की टक्कर हुई। देखिए लाइव तस्वीर, देख रहे हैं आप जींद प्लस न्यूज़ चैनल से। दो मोटरसाइकिल सवार एक मोटरसाइकिल पीछे से टक्कर मारी, और देखिए लाइव तस्वीरें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का थोड़ा दर्पण पर, और मैं हूँ जोगिंदर बीरवाल। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं, नमस्कार स्वागत है आप सभी का थोड़ा दर्पण पर, और मैं हूँ जोगिंदर बीरवाल। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं सफीदों के नागरिक अस्पताल में, और आपको बता दें कि पानीपत रोड पर एक बाइक को पीछे से टक्कर मारी है, जिसमें बचाव रह गया है, टांग पे चोट आई हुई है, जिसे एम्बुलेंस में अभी सिविल अस्पताल में ले जाया गया है। और आप सभी से अपील, इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे लाइव तस्वीरें जींद प्लस न्यूज़ पर, तो हमने सब मोटरसाइकिल रख कर अभी एम्बुलेंस में उस युवक को कॉल कर रहा है, और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। उसमें शराब पी रहे हैं सफीदों के पानीपत रोड पर नदी के पास शराब पी रहे थे आपस में। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच रहा है। एम्बुलेंस में सफीदों के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए लाया जाता है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सफीदों के सामान्य अस्पताल से, जिसमें एक युवक को उसके अंदर भी बैठाकर लाया गया है। और आपको बता दें कि यहां पर सामान्य अस्पताल में उसके उपचार के लिए लाया गया है। आए दिन सड़क हादसे घटने का नाम नहीं ले रहे, आए दिन कोई ना कोई बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। तो हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें सफीदों के सामान्य अस्पताल से दिखा रहे हैं। तो हमारे आप सभी से अपील, इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो बाइक सवार है वो कहीं ना कहीं, जो दूसरे वाला जिसने टक्कर मारी है वो कहीं ना कहीं नशे की हालत में है, जिस पुलिस कांस्टेबल ने उसको अपने कब्जे में ले रखा है और उसको पुलिस वैन में बिठाया हुआ है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जींद प्लस न्यूज़ पर, जो पानीपत रोड पर दो सवार मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने एक दिखा शायद शराब पिया हुआ है नशे में। उधर से कहीं जा रहे थे अपने पॉइंट पे, उधर फिर कई लोग खड़े थे, उसके पास में भीड़ थी, उन हमारे को बताया, रोके हमारे को, ये शराब पिया, अकेला बाइक चला रहा था, इसकी लापरवाही से। ये युवक कहाँ का बताया जा रहा है? इसका गाँव कौन सा गाँव बता देना, डंडाना सा गाँव है। उसका कुछ पता चल पाया सर, उसका चोटड़ा गाँव है। ये दोनों दो बाइक, हाँ ये बाइक भी रही है उधर, वो पानीपत की साइड में जा रहे थे आपस में, ये सीधा जा रहा था, दोनों बाइकों की टक्कर। ज्यादा इसकी बताया गया कि ज्यादा स्पीड में चला रहा था जो दूसरा बाइक मोटरसाइकिल चला रहा था, वो शराब पी हुआ जवान है। वो यहाँ पर वो अपने पॉइंट पे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही भीड़ को देखा तो उन्होंने देखा कि जो शराब नशे की हालत में ये फुल स्पीड से बाइक को लेके जा रहा था, जहाँ पर पुलिस ने अपने कब्जे में। कैसे, क्या कुछ, कहाँ जा रहे थे आप, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जा रहा था भाई ये हरियाणा में। कहाँ पे जा रहे थे? मैं जा रहा था निशिंग। हाँ जी निशिंग, निशिंग, हाँ जी। तो ड्रिंक करी हुई आपने? नहीं भाई, कोई ड्रिंक नहीं की, ड्रिंक लगता है कर रहा हूँ मैं। और नशे की हालत में तो नजर आ रहे हैं आप। अच्छा भाई साहब, कितने पीए सर बता दो, मशीन लेकर आऊँ? दो क्वार्टर लिए भाई, वो ही ना गलती होगी, गलती इंसान मांगता है। क्या नाम आपका भाई? गलती होगी, गलती तो मान ली। नहीं नहीं, आपका नाम क्या है, कौन कहाँ से रहने वाले हैं आप? एक तो वीडियो बंद करे, क्यों करे वीडियो बंद? अगर बड़ा हादसा घट जाता तो आपकी जान चली जाती, सामने वाले की चली जाती, तो आप इतनी स्पीड से ओवर स्पीड में जा रहे थे? और भाई गलती हम नहीं करते भाई। और गलती कैसे हुई? पहली बार चलाई है कोई। कितनी स्पीड में चला रहा? पहली बार चलाई है भाई कोई, सब है सारी चीज स्पीड में, ज्यादा नहीं। गलती थी, गलती मान ली साहब। फिलहाल जिस युवक के द्वारा बाइक पुलिस प्रशासन के द्वारा फिलहाल
काबू फिलहाल कर लिया गया है और आप देख सकते हैं कि युवक के जो हालात थाने में ले चलना है। थाने से दो बाइकों की टक्कर हुई है, उसी टक्कर को लेकर आज पुलिस जो जवान था वो पॉइंट पे यहाँ से थाने के लिए फिलहाल उसको लेकर केस आया जा रहा है। युवक के हालात आपने देखी होगी, आपने सोची होगी कि किस तरह से पकड़ के लेकर आई है और उसे सदर थाना में ले जाया जा रहा है। हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें जो हैं वो सफीदों के सामान्य अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहां पर दो बाइक्स को की आपस में टक्कर हो जाती है। जो एक बाइक सवार युवक है वो नशे की हालत में है और ओवर स्पीड करके वो जा रहा था, जिसने एक बाइक सवार को ठोक दिया, जिसको पैर के अंदर फ्रैक्चर बताया जा रहा है और अंदरूनी कई चोटें बताई जा रही है। उपचार के लिए उसे सामान्य अस्पताल में एम्बुलेंस में लाया गया है। तो हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें जो है वो सफीदों के सामान्य अस्पताल से दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वो एम्बुलेंस है जिसमें उसको लाया गया है। लेकिन जिस युवक ने उस बाइक सवार को ठोका है, जिस बाइक को टक्कर मारी है, उसको अभी फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस उसे सदर थाना में लेकर गई है। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें जो है सफीदों के सामान्य स्थान से दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहे, वीडियो को बने रहे जिंद प्लस न्यूज के साथ, क्योंकि सड़क हादसे लगातार बढ़ने घटने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी मोटरसाइकिल सवार शराब पिए हुआ था, शराब के नशे में धुत था और हमने आपको दिखाया भी। तो हम देखिए लाए तो सफीदों के सामान्य हॉस्पिटल से आपको लाए तो इसलिए दिखा रहे हैं। अब दो बाइक सवारों का अपने सामने टक्कर हो जाती है, उन्होंने तो कब्जे में लिया और घायल को एम्बुलेंस में फोन करके घायल को सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मामला उसके बाद पूरी पहचान ताकि परिवार के लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुँचे, लेकिन फिलहाल बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है और जिसमें एक युवक जो कि वीडियो में हमने दिखाया था, जो कि पूरी तरह से शराब के नशे में टुन था, जिसके द्वारा एक बाइक सवार को टक्कर मार दी गई, जिससे बाइक सवार घायल हो गया। उस बाइक सवार जो कि तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, फिलहाल उनको इलाज के लिए सफीदों के नागरिक अस्पताल लेकर के आया गया। जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस युवक के द्वारा फिलहाल इस युवक को जो कि टक्कर मारी गई, उसको फिलहाल पुलिस प्रशासन के द्वारा काबू कर लिया गया और सफीदों पुलिस स्टेशन फिलहाल उनको लेकर के जाया गया। घायल युवक से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आखिर कौन से गांव से ये युवक है, कहां की पहचान है। फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिली है कि जो घायल युवक चोचड़ा जो कि गांव असंद के अंतर्गत आता है, जिला करनाल के अंतर्गत जो गांव आता है, वहां का घायल युवक बताया जा रहा है। अगर आप युवक को जानते हैं तो अभी युवक के परिवार तक ये जानकारी जरूर पहुँचा सकते हैं। फिलहाल तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जीत प्लस न्यूज़ पर आप लाए तो शुरू देख रहे हैं, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जीत प्लस न्यूज़ पर आप लाए दो बाइकों की टक्कर हो जाती है, जिसमें एक बाइक सवार जो कि नशे की हालात में टुन था, उसको फिलहाल पुलिस प्रशासन के द्वारा काबू कर लिया गया, जिसकी पहचान रिढाना के युवक के रूप में बताई जा रही है। और जो घायल युवक है उसको असंद के पास चोचड़ा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल घायल का इलाज सफीदों के नागरिक अस्पताल में चला हुआ है। ऐसे में जब पुलिस प्रशासन भी वहां से निकल रहा था और आसपास के लोगों के द्वारा जब इसकी सूचना दी गई, तो पुलिस ने तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंचकर युवक को काबू कर लिया गया। हालांकि एक युवक जो कि शराब के नशे में टुन था, जो कि फिलहाल खुद ये बोल रहा था कि उसके द्वारा दो क्वार्टर जिसके द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन नशे की हालात में काफी लग रहा था, जिसके बाद जो घटना आपने जो अभी खबर देखी जिन प्लस न्यूज वो खबर दिखा रहे थे, जो पानीपत रोड पर साथ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी शराब के नशे में दो था और दूसरा जो चोचड़ा गांव का बता रहा है। देखिए लाइव खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली खबर के साथ जय हिंद जय भारत।